आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की जरूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। ओरल केयर एडवाइस, एंटी टोबैको एंड कैंसर अवेयरनेस विद एक्सपर्ट डॉक्टर रिदा इफत, डॉटर ऑफ डॉक्टर शिराज खान। सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। रिदा मैम, आज आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या कारण है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, उसको क्या जानकारी है? सभी को सलाम अलैकुम, नमस्कार, जय भीम। प्रेस नहीं, आप लोग से मिलना था, बस ऐसी बातें करनी थी। बहुत सारी बातें शहर में होती है तो मैंने कहा कि मैं भी बातें करूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है उनको मालूम है, बस मुझे तो मुलाकात करनी थी, कुछ अपनी दिल की बातें और कुछ बातें आप लोग से करनी थी, तो मैंने आप लोगों को बुलाया। तो आपका सबका स्वागत है और आप लोग सब लोग आए उसका शुक्रिया। बस बातें ये करनी थी कि परसों का हादसा आपको सबको पता है, उसका निषेध पूरे महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र के बाहर भी हुआ है। जिस तरीके से वो चीज हुई है, जिस तरीके से वो गले से लेके फेंकने का वगैरह सब हुआ है, तो सब जगह से निषेध है। हमारे मुमरा में भी काफी लोगों ने निषेध किया उसका, मेरे पार्टी के तरफ से, मेरे संस्था के तरफ से, सभी के तरफ से हम भी उसका निषेध करते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, इतनी बड़ी बात करने के बाद भी, इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी गलती मानना इनके लिए लिखा ही नहीं गया है। इनको लगता है नहीं, गलती हो गई तो गलती चलना चाहिए आगे, लेकिन उसके लिए एक माफी मांगना, बहुत सारी जगह से मांग भी हुई है कि इस पे माफी मांगा जाए करके, लेकिन उस इनके ऊपर तो जू भी नहीं चल रहा है कि इनको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा कि माफी मांग लेना चाहिए कि हमने बहुत बड़ी चीज की है। तो उसी के लिए आप लोग ने देखा बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजें हुई है, तो वही एक निश्चित है मेरे तरफ से भी, क्या उस पे बिल्कुल माफी मांगना चाहिए, नहीं तो आने वाला कल और है, सभी लोगों का ध्यान है। जो अवार्ड के जो समर्थक थे तो वो बोले कि मफलर उन्होंने नहीं फेंका है, उसको लेकर क्या करेगा, आपको क्या लगता है फेंका है या नहीं फेंका? आपको लेके एट्रोसिटी एक्ट आप पर बिठाएंगे, ऐसा कुछ बात कहा था वीडियो में, क्या मफलर फेंका है या नहीं है ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। किसको चाटा पड़ा, कैसा मफलर खींचा गया, वो अगर आप लोग मुंह का एक्शन समझते होगे ना, तो आप लोग को भी समझ में आता है वो कितना कुछ गाली वहां दी गई है और कितना कुछ जो चीजें हुआ है, मफलर कैसा फेंका गया है। देखो, ये बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे, मतलब झूठा बात बोलना है तो हम लोग तो अंधे है, हम तो सब अंधे है, उन्हीं को आंखें है और उन्हीं को दिखता है। आज महाराष्ट्र से आवाज उठ रही है, आप और मैं नहीं उठा रहे हैं, खाली मुमरा वाले नहीं बोल रहे, पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र से इन पे निक्षेप किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र क्या अंधी है क्या, महाराष्ट्र को दिख नहीं रहा है? एक मिनट, फिर ये हो गया। और बाबू मकरे भाई जो है वो कौन से पार्टी में है, वो मुझे लगता है वो हमारे साथ के युति वाले में है। तो देखिए अभी किसका क्या क्लियर है, क्या क्लियर नहीं है, कौन कहाँ जाके बोलेगा, पहले पुराने वाले एट्रोसिटी का जवाब दे दे, फिर नया का तो करो ना, उनका हक है वो करे। अगर हमसे गलती हुई है तो हम बिल्कुल उसको देखेंगे और गलती मानेंगे, लेकिन पुराने वाले भी जिनके साथ बैठ के बोलना है उनको, तो पुराने वाले एट्रोसिटियों पे भी ध्यान दे। और बस एट्रोसिटी बनाना है, और अगर हमारे पास कोई हक है उस चीज का इस्तेमाल करना है तो बिल्कुल करें, वो है देखने वाले और ध्यान देने वाले, वो तो आप लोग के सामने, सबके सामने है सब चीजें, तो वो देखेंगे। और मकरे साहब, मकरे भाई क्या बोले हैं, मकरे भाई को बोलने का हक है, और मकरे भाई बोले हैं तो मकरे भाई बात भी करेंगे। आप कुछ बोल रहे थे मैम, जो लोग ने बोला है वो खुद अपने, उनका कहना है कि हमारे समाज के लोगों का मजाक नहीं बनाया गया, और रिधा मैडम, राजन दादा राजनीति का गलत इस्तेमाल करते हुए हमारे पे इल्जाम लगा है। रिधा मैडम, राजन दादा ही तो हक के लिए बाहर उतरे, जैसा वीडियो हमारे सामने आया हम वीडियो पे उतरे, हमने मन बने कहानी नहीं बनाई, हमने वीडियो दिया,
मीडिया को, और हमने तब बात की, हमने खाली स्टोरी नहीं बनाई या हमने जो दिख रहा है उसको अंदाजा नहीं ये लगाया, नहीं जो दिख रहा है उसी पे बात की। तो राजन दादा हो, रिदा रशीद हो, बाकी के सारे लोग हो, हक की बात सब करेंगे, हक की बात होगी वो सब करेंगे, ना ही किसी से डरते हुए। हक की बात होगी वो हक की बात होगी, और जो हक की बात वहां दिख रही, किसने किसकी बेइज्जती की है वहां दिख रही है, और एट्रोसिटी जिसपे बनना चाहिए। तो बाबू मकरे भाई को रिक्वेस्ट है, तो ठीक है हम, हमारे लिए आप क्या कर रहे हो आप जाने, लेकिन जिस तरीके से बेइज्जती हुई है उस पे भी बात करें और उस पे भी ध्यान दिया जाए। जनता आपको देख रही है, जनता को ये मत समझिए कि किसी का आग बंद है, जनता का बिल्कुल ध्यान है। तो एट्रोसिटी जिसपे बनना है इंशाल्लाह उस पे तो बनेगा, और बस बनाने वाले लोग पहले का जवाब नहीं दे रहे और अभी कुछ बनाने की बात कर रहे, बस उनकी नेकी उनके साथ, अपनी नेकी अपने साथ। मुझे तो लगता है कि आमदार साहब समझे ही नहीं है कि उनका आमदारगी का काम क्या होता है, आमदार क्या होता है, आमदार क्या काम करता है, आमदार किस तरीके से शहर के विकास के लिए काम करता है। बस वो नगर सेवकों की निधि लगा के, रिधि रोक के नगर सेवकों का काम करने में इतने बिजी रहे, अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा बनाने में, कुछ कार्यकर्ताओं को बड़ा बनाने में इतना लगे रहे कि उनको कुछ बातों का फर्क ही नहीं पड़ा, या कुछ बातें वो कर ही नहीं सके आमदार के टाइम पे। और उन्हीं के नगर सेवक लोगों को आज मैं देखती हूँ, ठीक है एक निश्चित का तो बात हो गई, लेकिन शहर की बातें हैं, शहर की विकास की बातें हैं, शहर में कामों की बात है, तो आमदार को समझाने उस तरीके से, इनके नगर सेवक को भी कभी समझाने के नगर का सेवक मतलब क्या होता है, नगर के सेवक को क्या काम करना होता है, आज शहर में क्या काम हो रहा है। आज एक नगर सेवक आपने चुन के भेजा है, पहला तो आमदार समझाएगा कि आमदार ने क्या क्या काम किया है, सिर्फ काम किसी और ने किया है, नाम अपना लगाने से तो शहर का विकास होता नहीं है। 15 साल के बाद भी आज ऐसी हरकत करना एक आमदार, और उनके नगर सेवक को पता ही नहीं है कि क्या काम करना, तो उसपे से मैंने सोचा थोड़ा बोलूं कि नगर के सेवक लोग क्या काम कर रहे हैं। नगर का सेवक अगर मैं चुन के भेजती हूँ, या आप लोग में से कोई अगर नगर के सेवक को, नगर सेवक, नगर का सेवक अगर उसको चुन के भेजना चाहते हो तो क्या चाहते हो। जो आमदार काम लाता है बाहर से बड़े टेक्चर में, फिर छोटे चूजे को उसको मेंटेन करने का काम होता है नगर के सेवक का। यहाँ के नगर के सेवक को पता है क्या उसके एरिया में क्या काम होना चाहिए, उसके एरिया के फुटपाथ या उसके एरिया की गली या उसके एरिया में पानी, उसके एरिया के पाइपलाइन, उसके एरिया की गली, उसके एरिया के गली के चेम्बर, उसके बिल्डिंग के जो जो चेम्बर होते हैं, उसके चाली में लाइट्स, रस्ते के लाइट, गली के लाइट्स लगने चाहिए, उसके एरिया में जितने TMC के काम है प्रॉपर हो रहे हैं क्या, स्कूल जो बनाया होगा आमदार ने वो स्कूल्स बराबर चल रहे हैं क्या, वहां पर टीचर्स है क्या, ये जो छोटे छोटे काम है। सबसे बड़ी बात अगर देखने जाओ तो यहाँ के नगर के सेवक को नहीं पता होगा यहाँ की बालवाड़ी कैसी चल रही है, यहाँ की आंगनवाड़ी कैसी चल रही है। सबसे बड़ा योजना है जो आंगनवाड़ी में आती है, आंगन सेविका जो काम करती है। आज जाके आप लोग देखो मुमरा शहर में जितनी भी आंगनवाड़ी बहने हैं जो अपना काम कर रही है, जो TMC से आई है, आप एक भी आंगनवाड़ी मुझे इधर के नेता लोग बता दे क्या हालत में है। बायकायदा उनको भाड़ा दिया जाता है, लेकिन ठीक है सरकार के हिसाब से भाड़ा मिलता है। इनको मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग ने क्या काम किया है, आप लोग ने कौन सी एक आंगनवाड़ी को बना के दिया है, या किसी को बोला है कि एक आंगनवाड़ी के लिए जगह दीजिए, वहां पर अपने बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाने के लिए जब बच्चे पहला कदम उठाते हैं ना घर से, वो आंगनवाड़ी में जाते हैं, पहला जो डोज लेते हैं ना वो वहां पर ही सिस्टर लोग आके वहां पर डोज वगैरह पोलियो वगैरह पिलाती है। कहाँ है, इनको पता है कि सेवक का काम क्या होता है, ये लोग पगार लेते हैं, जनता इनको चुन के भेजती है, इसका मतलब इनको जनता के लिए फुकट काम नहीं करते। जनता को ये मालूम होना चाहिए कि जनता को मैं बता दूं कि ये अपने लिए फुकट काम नहीं करते, ये अपने पास चुन के आके जो बताते ना, मैं हम आपके मदद कर रहे हैं, आपके लिए ये किया, आपके लिए वो किया, मैं बता दूं क्या क्या मैंने क्या क्या किया है, आप गिना के दिखाओ, हम गिना के दिखाए, तो एक बात मैं जनता को बता दूं, ये अपने लिए कुछ नहीं करते, इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया है, जो किया है जनता ने इन लोग के लिए किया है। पहली बात तो जनता ने इनको चुन के भेजा, वहां से इन लोग महीने का सैलरी लेते हैं, बाकी के भी बहुत सारे सुविधा लेते हैं अपने लिए काम करने के लिए, अपने टैक्स के पैसे से इनको सैलरी मिलती है,
इनको और भी बहुत कुछ सेवा मिलता है, लेकिन इन्होंने हमारे लिए क्या किया जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, मैंने एक दो वीडियो देखा है, तो ये जो एहसान जताने का काम करते ना, तो जनता का टाइम आ गया है, जनता इनको दिखाए कि तुमने हम पे एहसान नहीं किया, हमने तुम पे एहसान किया कि आपको चुन के भेजा है, 15 साल का हिसाब आपको लेना चाहिए। जिस तरीके से छोटी छोटी बातों पे हमारी बेइज्जती होती है, मेरे को अभी एक किस्सा याद आया परसों के बाद जब हुआ, मैंने भी आप लोगों को सबको पता है कि मैं कब्रिस्तान के लिए लड़ी, मैं कब्रिस्तान के लिए सभी पार्टी के लोगों को देखो पहला काम बनता है हमको सबको लेके समाज के काम के लिए जाना है, वहां पर पार्टियों का काम नहीं आता है, समाज के सभी लोगों को मिलके काम करना है। तो कब्रिस्तान के लिए जब सभी पार्टियां लड़ रही थी, छोटी बड़ी सब पार्टियां लड़ रही थी, जब हियरिंग रखा गया था हमारे मंत्रालय में, तब मैंने सभी पार्टियों को लेके गई थी, सभी पार्टी के कार्यकर्ता नेता लोग चले थे, लेकिन उसके बाद एक गाली पड़ी थी, आपको सबको याद होगा, अभी भी वो यूट्यूबों पे है, आप लोग ने चलाया हुआ एक वीडियो है, क्या जो भी कब्रिस्तान की मांग करने के लिए जा रहा है या जो भी कब्रिस्तान का मांग कर रहा है वो हरामखोरों की औलाद है, ऐसी एक गाली पड़ी थी। उसके बाद आपने देखा एक कार्यकर्ता कोई मार रहे हो, ऐसी बहुत सारी हरकतें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है जनता से या अपने लोगों से कि आप प्लीज इस बार ध्यान रखें और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ये बेइज्जती बस हो गया, बेइज्जती वाली बातें नहीं होनी चाहिए, और करने के बाद भी ये जो माफी नहीं मांगते और ऊपर से जोर से आवाज बताते हैं ना, प्लीज इनसे डरो मत। और एक जागरूकता और फैलानी है, वो है वोटिंग के लिए, वोटिंग कार्ड किसी का नहीं होगा तो वोटिंग कार्ड बना लीजिए, वोटिंग कार्ड सबसे जरूरी है, अगर वोटिंग कार्ड है, 2 साल से हमने कभी वोटिंग कार्ड देखा नहीं है, वोटिंग कार्ड कहाँ पड़ा है, पहले अगर ऑनलाइन हमारे घर में बच्चे लोगों को भी बहुत सारी जानकारी है, आप बच्चों को पूछिए क्या वोटिंग कार्ड एक साइट है उस पर जाके चेक करें, नहीं तो बहुत सारे वोटिंग कार्ड के भी बाहर से भी लोग आ रहे हैं, वोटिंग कार्ड बना रहे हैं, कलेक्टर के उधर से भी टेबल्स लग रहे हैं, इलेक्शन ऑफिसर भी आके देख रहे हैं, तो प्लीज अपना अपना वोटिंग कार्ड चेक करें और अपना वोटिंग कार्ड आधार से लिंक करें, क्योंकि बोगस वोटर वोटिंग अगर बचाना है तो हमको आधार कार्ड से अपना वोटिंग कार्ड लिंक करना है। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं, बातें तो आगे करते रहूंगी और बस चल रहा है, इतनी बात करनी थी। वोटिंग के लिए काफी जोर है, वोटिंग कार्ड अपना बनाएं और वोटिंग के लिए सबको निकलना है, और इंशाल्लाह इस बार वोटिंग का हर लिमिट मुमरा से सबसे ज्यादा होना चाहिए, इस पे ध्यान रखे, और बातें तो चलते रहेंगी और बहुत कुछ करना है, और धीरे धीरे इंशाल्लाह और सारी बातें आपसे करते रहूंगी।